गुना कलेक्टर ने दिखाया मानवीय चेहरा, 8 माह की गर्भवती महिला संगीता को बैतूल से बुलाया गुना। गौरतलब बात यह है कि कलेक्टर एस विश्वनाथन इससे पहले बैतूल में कलेक्टर थे। उन्होंने बैतूल कलेक्टर से सामंजस्य बिठाकर कल रात्रि में महिला को मकसूदनगढ़ बुला लिया। महिला ने गुना कलेक्टर और बैतूल कलेक्टर दोनों का धन्यवाद व्यक्त किया। नाम संगीता। क्या घटनाक्रम हुई आपके साथ लॉकडाउन के दौरान? क्योंकि हमारी बस चालू थी जब से गई थी मैं, अब वहाँ से फिर मेरी बहन के घर से मामा के घर चली गई। कौन सी जगह? खेड़ी सावलीगढ़। कौन से जिले में? बैतूल जिले में। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से फिर हमारे मामा जी दूसरे दिन आ नहीं थी, उतने में बस बंद हो गई तो मैं वापस चली गई बस स्टैंड से घर। तो फिर दो महीने से भी ऊपर हो गए थे, 2.5 महीने हो गए थे। फिर मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मामा जी भी परेशान कर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारे घर चले जाओ, तो फिर कैसे जाएंगे? हम भी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर 2-3 वक्त हम देव कलेक्टर साहब को बैतूल आले को रिपोर्ट लेकर आई कि भैया हमारी ऐसी ऐसी बात है सर, हम भी सुनवाई करो। तो उन्हें कहीं गुना लगाओ, गुना लगाया तो वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने ऑनलाइन किया, फिर यहाँ से भी की, उसके बाद में सुनवाई हुई। फिर कलेक्टर साहब ने गुना लेने बैतूल फ़ोन लगाया, बैतूल से फ़ोन लगा के फिर कलेक्टर साहब ने गाड़ी भेजी, तो उनकी गाड़ी से आए मकसूदनगढ़। हाँ, मकसूदनगढ़ है। कलेक्टर साहब की गाड़ी आई थी छोड़ने? हाँ, बैतूल आई, मैडम ने भेजी थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? संगीता। आपके पति का नाम? हेमराज। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि एक गर्भवती महिला है जो बैतूल में लॉकडाउन के पहले चली गई थी और वहाँ से हमको जब कॉल किया था, उनका समस्या बताया, तो हम कुछ हेल्प में आ पाया, तो इसलिए हमको भी अच्छा लग रहा है। कलेक्टर बैतूल साहब को भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि वो भी हम जैसे ही हम उनको इन्फॉर्म किया ऐसा ऐसा मामला है, एक गर्भवती महिला है, गुना जिले का रहने वाला है, आपका बैतूल में आके फंस गया, तो उन्होंने भी इमिडिएटली हमको हेल्प करने के लिए आश्वासन दिया, इमिडिएटली उनको भी यहाँ पहुँचा दिया। आई थिंक वो अभी पहुँच के वो ठीक ठाक है।